आज जो है हमारे ड्राइंग स्कूल के तरफ से बहुत खुशी का दिन है। आज जो है हम नेशनल ड्राइंग मतलब डे जो मना रहे हैं, आज केक काटने के मुताबिक आज हम तमाम, मैं अब गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के आवाम से अपील करता हूं कि भाई आप जो है ट्रैफिक नियम को फॉलो करिए, क्योंकि एक्सीडेंट्स आए दिन देखने को आ रहा है कि भाई मीडिया के अंदर आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि भाई हम जो है ज़रा एक 10-15 मिनट जल्दी जाने के लिए जो है एक्सीडेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि भाई आप गड़बड़ मत करिए, ट्रैफिक नियम को फॉलो करो, और जो भी आपकी फैमिली, ये जो आपकी ज़िंदगी है आपके फैमिली के वास्ते बहुत असट है, तो आपकी फैमिली का, आपके जोरों बच्चों का सोचिए आप। और स्टूडेंट से मैं भी अपील करता हूँ कि भाई आप जो है ट्रैफिक नियम को फॉलो करिए, गाड़ी स्लो चलाइए, गाड़ी भगाइए मत, आपके जो माँ बाप को तकलीफ़ हो जाती है, आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, आपकी फैमिली को तकलीफ होती है, और उसके तरह तमाम आवाम को प्रॉब्लम होता। तो हम इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई तमाम गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लोगों से कि भाई आप गाड़ी 10-15 मिनट लेट हुआ पुराने, ट्रैफिक नियम को फॉलो करा के आप स्पीड मत करिए, स्लो चल के अपनी ज़िंदगी लाइफ बचाइए। बल्कि आज हम जो है फूल देने के मुताबिक, गुलाब का फूल देने के मुताबिक गुलबर्गा शहर के अंदर जो है हर सर्कल पर रिक्वेस्ट करने का काम करें और एक उशार करने का काम करें। एक अच्छा हमारे ड्राइंग स्कूल में हमारे आनंद पाटिल साहब जो है हमारे स्टेट के राज्य अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो एक ये जो पहल करे हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उनके लीडरशिप के अंदर जो है आने वाले दिन में और ऐसे सुरक्षा कार्यक्रम जो है हम करते रहेंगे। बल्कि आपकी मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूँ, इवतने दिवस आल इंडिया ड्राइविंग स्कूल असोसिएशन वतियिंद ड्राइविंग डे अंत सेलेब्रेट माता यह कार्यक्रम अध्यक्षते वह ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾಗರ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಸಾಗರ ಹಾಗೂ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಈ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರಲಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಬಾರದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಜ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮೋಟರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಓನರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ತರಫ್ ಸೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಮನಾ ರಹೆ ಹೇ ಹಮ್ ಲೋಗ್, ಔರ್ ಇಸ್ಕಿ ಶುರುವಾತ್ ಜೊ ಹೇ ನಾ ಹಮಾರಾ ಆರ್ ಟಿ ಓ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೆ ಶುರುವಾತ್ ಕಿಯೆ ಹಮ್ ಲೋಗ್. वहाँ पे हमारे आरटीओ भाषा साहब के अध्यक्षते में जो है ना केक कट करके और उनके हाथ से हमारा रैली को जो है ना एक ग्रीन झंडा बताते हुए उन्होंने शुरुआत की है. और ये रैली जो है ना नया आरटीओ ट्रैक जो है वहाँ से स्टार्ट हुआ और खरगे पंप पे हमारा फर्स्ट जंक्शन था, पहला स्टॉप था हमारा, वहाँ पर रुक के वहाँ पर जो तमाम जो रोड पर आने जाने वाले टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स थे, टू व्हीलर्स वालों को हमने हेलमेट पहनने की सजेशन दिया है दिया और एक फूल का एक रोज दिया है उसके 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 वो देते हुए हमने उनसे कंपलसरी हेलमेट पहनने के लिए और कार के ड्राइवरों को जो है ना कंपलसरी उनको भी फूल देते हुए कंपलसरी जो है ना सीट बेल्ट पहनने के लिए रिक्वेस्ट किया है. वहाँ से होते हुए हमने MRMC कॉलेज और गवर्नमेंट हॉस्पिटल अन्नपूर्णा क्रॉस से होते हुए जो तमाम लोग मिल रहे थे हमको, हम उन सभी लोगों को रोज़ देते हुए उनसे ये रिक्वेस्ट किया है, दरख्वास्त किया है कि आप कंपलसरी हेलमेट पहने और सीट बेल्ट लगा के चले और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें. और जो ट्रैफिक पुलिस रहती है जो रोड पे जो रात दिन एक ट्रैफिक को एक अच्छी तरह मूवमेंट होने में जो मदद करते हैं, वो लोगों को जो है ना आप कोऑपरेशन करें, उनके अगेंस्ट मत जाए, पुलिस डिपार्टमेंट को साथ में लेके चले, वो जो गाइड करते हैं रोड पे डर के उसको आप कंपलसरी फॉलो करना चाहिए. ये सजेशन हम आज जो है ना गुलबर्गा की तमाम आम जो है उनको ये आपके मीडिया के तरफ से मैं ये सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि आप कंपलसरी जो है ना ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, हेलमेट पहने और सीट बेल्ट कार का सीट बेल्ट पहन के गाड़ी चलाएँ. थैंक यू. ऑल ओवर इंडिया ड्राइविंग स्कूल का आज डे है, इसके लिए सभी लोग हम ड्राइविंग स्कूल के ओनर्स, इतनी बड़ी कामयाबी पहली बार हो रही है क्योंकि पहली बार जो है ना हम इतना बड़ा जो है ना ये काटे हैं, तो आज के बाद से जुलूस जो है ना ऐसे ही हर साल काटते रहेंगे और हमारी यूनिटी ऐसे ही चलती रहेगी. इसके लिए जो है ना आप लोग अभी तक जो कॉपरेट दिए इसके लिए धन्यवाद.